हे एवरीवन, दिस इज सिमरन एंड वेलकम टू इग्नू ई पाठशाला। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपने घर में सेफ होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम यूनिट 10 डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम। और आज हम डिस्कस करेंगे उसमें प्लूरीलेटरल ट्रेड अग्रीमेंट्स के बारे में और जानेंगे इंडिया का क्या रोल रहा WTO में। ठीक है, तो अगर आप में से किसी ने पिछली वीडियोस को नहीं देखा है जहाँ पे हमने डिस्कस किए थे मल्टीलेटरल ट्रेड अग्रीमेंट्स, तो उनको जरूर देख लीजिएगा। आई होप आपको काफी अच्छे लगेंगे और आपके लिए काफी हेल्पफुल भी होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बिना किसी देर के हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस कर लेते हैं डिस्प्यूट सेटलमेंट के बारे में। ये आपका मल्टीलेटरल ट्रेड अग्रीमेंट का ही टॉपिक है जो कि रह गया था, तो पहले उनको डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हम प्लूरीलेटरल ट्रेड अग्रीमेंट पे आएंगे। ठीक है, तो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी WTO की एक मेन बॉडी है, जहाँ पे जो मेंबर कंट्रीज हैं अगर उनके बीच में ट्रेड से रिलेटेड कोई इश्यूज होते हैं या किसी अग्रीमेंट को लेके कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, डिसएग्रीमेंट रहता है किसी चीज को लेके, तो क्या करती हैं डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी उस टाइम पे मेजर रोल प्ले करती है और जो भी मेंबर कंट्री से बीच में ट्रेड से रिलेटेड इश्यूज हो रहे हैं उनको रिसॉल्व करने की कोशिश करती है और अपना डिसीजन देती है। ठीक है, तो इनका डिसीजन हमेशा माना जाएगा, आप इसको रिवोक नहीं कर सकते ना ही आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक बार पढ़ लेते हैं। Established in 1994 under the Uruguay Round Agreements, it is the central pillar of the multilateral trading system. ठीक है, तो हमारा dispute settlement body क्या है? Central pillar है. One of the unique feature of the WTO is the provision relating to dispute settlement mechanism. In fact, the power to settle trade disputes is what is the difference between the WTO and GATT. अब देखिए, GATT में हमने जब discuss किया था difference GATT और WTO का, तो हमने वहां पर डिस्कस कहते हैं कि जो डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रोसीजर है GATT का वो इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, है ना। वही जो WTO का डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रोसीजर है वो काफी ज्यादा क्विक भी है और इफेक्टिव भी है। ठीक, व्हेन अ मेंबर फाइल्स अ कंप्लेंट अगेंस्ट अनदर द डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी ऑफ द WTO स्टेप्स इन इमीडिएटली। द न्यू डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म रिप्रेजेंट्स द टीथ ऑफ न्यू WTO. The members have in the Uruguay Round Agreement agreed not to take unilateral actions as so often occurred in the past against the pre-received violations of the trade rules. So, जो पहले Uruguay Round में क्या हुआ था कि unilateral actions बहुत ज्यादा लिए जाते थे क्योंकि जो rules थे वो काफी violate कर दिए जाते थे। अब क्या है, instead they have pledged to seek recourse in the new system and to abide by its rules and procedures. लेकिन अब सिस्टम चेंज हो चुका है, अब जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं वो डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रोसीजर, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी के जो भी रूल्स, रेगुलेशंस और प्रोसीजर्स हैं उनको फॉलो करते हैं और मानते भी हैं। ठीक है, द डिसीजन हैव टू बी टेकन इन लेस देन 1 ईयर इफ द केस इज अर्जेंट, 15 मंथ्स इन केस इफ इट इज अपील्ड। अगर केस अर्जेंट है तो उसका जो डिसीजन है वो 1 ईयर के अंदर ही दे दिया जाता है, लेकिन अगर केस अपील्ड है, अपील किया गया है, तो उसमें 15 मंथ्स लग जाते हैं। ठीक है, द डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम ऑफ WTO इज फास्टर एंड ऑटोमेटिक एंड द डिसीजंस कैन नॉट बी इग्नोर्ड और ब्लॉक्ड बाय द मेंबर्स। ठीक है, तो जो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी अगर कुछ भी डिसीजन देती है तो मेंबर कंट्रीज को उसका जो डिसीजन है उसको मानना पड़ेगा, आप ना ही इसको इग्नोर कर सकते हैं ना ही ब्लॉक कर सकते हैं। ठीक, बिकॉज इफ इट्स एबिलिटी टू पिनलाइज ऑफेंडिंग मेंबर्स नेशंस, द WTO डिस्प्यूट सेटलमेंट इज द बैकबोन ऑफ द ग्लोबल सिस्टम। ठीक, इनका कहने का ये मतलब है कि अगर कोई मेंबर नेशन उनके जो डिसीजन है उसको ऑफेंड करने की कोशिश करता है तो WTO की डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी पास इतना राइट है कि वो उसको पिनलाइज कर सकती है, मतलब पनिश कर सकती है या कोई पेनाल्टी लगा सकती है। ठीक है, तो इसीलिए WTO का जो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है वो क्या कहलाती है, बैकबोन कहलाती है ग्लोबल सिस्टम की। क्योंकि देखिए, ट्रेड हो रहा है तो आपसी मतभेद होना जायज है। ठीक, हमेशा ऐसा नहीं होगा कि लोग हार्मनी में ही काम करेंगे, कभी ना कभी कुछ ना कुछ इश्यूज क्रिएट होंगे। ठीक है, तो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी बहुत मेजर रोल प्ले करती है WTO में और ग्लोबल सिस्टम में। ठीक है, तो आई होप आपको डिस्प्यूट सेटलमेंट समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नाउ नेक्स्ट है हमारा ट्रेड पॉलिसी
रिव्यू मैकेनिज्म दैट इज टीपीआरएम। अब ट्रेड पॉलिसी रिव्यू मैकेनिज्म का क्या मतलब हुआ, जितनी भी मेंबर कंट्रीज हैं डब्ल्यूटीओ के अंदर वो कैसा ट्रेड कर रही हैं, उनकी ट्रेडिंग पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस कैसी हैं, क्या पैटर्न है उनके ट्रेड का, इन सबको कौन रिव्यू करता है, ट्रेड पॉलिसी रिव्यू मैकेनिज्म। ठीक है, तो द ट्रेड पॉलिसी रिव्यू मैकेनिज्म वॉज एन अर्ली रिजल्ट ऑफ द यूरुग्वे राउंड बींग प्रोविजनली स्टैब्लिश्ड एट द मॉनिटरी मिड टर्म रिव्यू ऑफ द राउंड इन डिसम्बर 1988। Annex 3 to the Marrakesh Agreement, agreed by the ministers in April 1994, placed the TPRM on a permanent footing as one of the WTO's basic function. And with the entry into force of WTO in 1995, the mandate of TPRM was broadened to cover service trade and intellectual property. So, Trade Policy Review Mechanism already आ चुका था December 1988 में. ठीक है, लेकिन उसके बाद जब मराकेश अग्रीमेंट हुआ तो मिनिस्टर्स ने इस चीज को अग्री किया और 1994 में इसको डब्ल्यूटीओ का एक मेजर फंक्शन मान लिया गया। ठीक, फिर जब डब्ल्यूटीओ एस्टैब्लिश हुआ आपका 1995 में, उसके बाद से टीपीआरएम ने खुद को ब्रॉड किया। मतलब पहले जब हम डिस्कस कर रहे थे उर्गे राउंड से पहले जो सिनेरियो था जीएटीटी का, उसमें से वो मर्केंडाइज गुड्स को ही कंसिडर करते थे, राइट। लेकिन जब WTO आ गया उसके बाद से WTO ने भी काफी ब्रॉडन किया खुद को, और उसमें क्या क्या आने लग गया, सर्विस ट्रेड और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो WTO के स्टैब्लिश होने के बाद TPRM में भी ब्रॉडन किया गया और सर्विस ट्रेड और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को भी इसमें कवर कर लिया गया था। ठीक है, द ट्रेड पॉलिसी रिव्यू मैकेनिज्म इज टू मॉनिटर द ट्रेड पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द WTO मेंबर्स एंड टू असेस देयर इम्पैक्ट ऑन मल्टीलेटरल एंड वेयर रेलिवेंट प्लूरीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम। तो ट्रेड पॉलिसी रिव्यू मैकेनिज्म का बेसिकली क्या फंक्शन है कि वो मॉनिटर करती है ट्रेड पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस जो उसकी मेंबर कंट्रीज होती है उनकी, और देखती है कि उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है मल्टीलेटरल एंड प्लूरीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम पे। मतलब कि उनकी जो ट्रेडिंग पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस हैं उसका क्या अफेक्ट है मल्टीलेटरल और प्लूरीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम पे। ठीक है, द एम ऑफ द टीपीआरएम इज टू अचीव अ ग्रेटर डिग्री ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मेंबर्स ट्रेड पॉलिसीज विच विल लीड टू स्मूदर रनिंग ऑफ द ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम। ठीक है, तो टीपीआरएम का जो मेन ऑब्जेक्टिव है या मोटो है वो यही है कि वो ज्यादा से ज्यादा चीजों को ट्रांसपेरेंट कर सके, ट्रांसपेरेंसी रहे ट्रेड में, जिसके थ्रू जो हमारा ट्रेड है वो इजिली फ्लो होता रहे। ठीक है, तो ये थी बात ट्रेड पॉलिसी रिव्यू मैकेनिज्म की। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और इसमें एक टॉपिक और है, दैट इज ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ट्रिप्स। ठीक है, तो इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं काफी डिटेल में अपनी वीडियो में, तो आप ये टॉपिक वहां से कवर कर लीजिएगा, उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका मल्टीलेटरल ट्रेड अग्रीमेंट खत्म होता है। ठीक है, अब हम आज डिस्कस करेंगे प्लूरीलेटरल ट्रेड अग्रीमेंट के बारे में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम डिफरेंस समझ चुके हैं मल्टीलेटरल ट्रेड अग्रीमेंट और प्लूरीलेटरल ट्रेड अग्रीमेंट बारे में, तो यहाँ पे एक बार उसको थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं ताकि आपको भी अगर याद ना हो तो याद आ जाए। ठीक, तो मल्टीलेटरल ट्रेड अग्रीमेंट में हमने क्या बात की थी कि वो ऐसे अग्रीमेंट्स होते हैं जिसमें WTO की जितनी भी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज होती हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं। ठीक है, वही प्लूरीलेटरल ट्रेड अग्रीमेंट्स कौन से होते हैं, ऐसे अग्रीमेंट जिसमें WTO की सारी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज नहीं बल्कि कुछ कंट्रीज या कुछ सिग्नेटरीज ही इन्वॉल्व होती हैं जिनका एक कॉमन इशू रहता है या किसी एक पर्टिकुलर एरिया के बारे में उन्हें डिस्कस करना होता है, मतलब कि उनका एक कॉमन इंटरेस्ट होता है। ठीक है, तो ये ही होती है हमारी प्लूरीलेटरल ट्रेड अग्रीमेंट्स, जहाँ पे सारी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज ना आके कुछ एक सेलेक्टिव पार्टीज ही या सेलेक्टिव कंट्रीज ही एक मैटर या एक इशू को उठाती हैं और वो डिस्कस करती हैं इसमें। ठीक है, तो द WTO मेंबर्स सब्सक्राइब टू ऑल WTO अग्रीमेंट्स, जो WTO के मेंबर्स होते हैं वो सारे WTO के अग्रीमेंट्स में सब्सक्राइब करते हैं, मतलब इन्वॉल्व रहते हैं। आफ्टर यूरुग्वे राउंड 4 अग्रीमेंट्स वर रिमेन्ड ओरिजिनली नेगोशिएटेड इन टोक्यो राउंड। एनेक्स 4 जो है वो बताता है प्लूरीलेटरल ट्रेड अग्रीमेंट्स के बारे में। ठीक है, विच हैड नैरोअर ग्रुप ऑफ सिग्नेटरीज नोन एज प्लूरीलेटरल अग्रीमेंट्स, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया भी कि सेलेक्टिव कंट्रीज ही इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, तो इसीलिए ये क्या कहलाता है, नैरोअर ग्रुप ऑफ सिग्नेटरीज, क्योंकि सारी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज और सारी कॉन्ट्रैक्टिंग कंट्रीज WTO की इसमें इन्वॉल्व नहीं होती है।
ठीक है, तो ये कुछ चार अग्रीमेंट्स हैं जो कि प्लूरीलेटरल ट्रेड अग्रीमेंट में आते हैं, देख लेते हैं। फर्स्ट है अग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सिविल एयरक्राफ्ट, नेक्स्ट है अग्रीमेंट ऑन गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, इंटरनेशनल डेयरी अग्रीमेंट एंड इंटरनेशनल बोवाइन एंड मीट प्रोडक्ट्स। अब एक एक करके हम इनको डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लूरीलेटरल अग्रीमेंट की। प्लूरीलेटरल अग्रीमेंट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एक बार इसको समझ लेते हैं। ठीक, पहली है पेविंग द वे फॉर एड्रेसिंग स्पेसिफिक इश्यूज एंड एरियाज। ठीक है, तो इसमें क्या डिस्कस किए जाते हैं, स्पेसिफिक इश्यूज या स्पेसिफिक एरियाज के बारे में डिस्कस किया जाता है या एड्रेस किया जाता है। ठीक, अलाउ फ्लेक्सिबिलिटी इन द चॉइस ऑफ पार्टिसिपेंट। जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो चूज कर सकते हैं अगर वो इस अग्रीमेंट में इन्वॉल्व होना चाहते हैं। ठीक है, रिस्पॉन्डिंग टू द चेंजिंग नीड्स ऑफ इंडस्ट्रीज विद एजिलिटी। अब जो इंडस्ट्रीज की जो नीड है जल्दी जल्दी चेंज होने की, उस पे भी ये प्रॉपरली रिस्पॉन्ड करती है। एजिलिटी का मतलब होता है किसी चीज में जल्दी मूवमेंट आना और इजिली और क्विकली उसको मूव करना। ठीक है, ये मतलब होता है एजिलिटी का। नेक्स्ट है प्रिपेयरिंग फॉर मल्टीलेटरल रूल मेकिंग इन द फ्यूचर, और फ्यूचर के लिए मल्टीलेटरल रूल्स को बनाना। ठीक है, तो ये है कैरेक्टरिस्टिक्स प्लूरीलेटरल अग्रीमेंट्स की। ठीक, अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसके अग्रीमेंट्स के ऊपर। तो सबसे पहले है पब्लिक प्रोक्योरमेंट और गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट के बारे में। ठीक, तो इन मोस्ट कंट्रीज गवर्नमेंट एंड इट्स एजेंसी इज द बिगेस्ट परचेजर ऑफ गुड्स ऑफ ऑल काइंड। तो जो गवर्नमेंट है या उनकी एजेंसीज है वो हर तरह के गुड्स का खरीदती है, रेंजेस फ्रॉम बेसिक कमोडिटीज टू हाई टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट्स एंड इट अकाउंट्स फॉर 10-15% ऑफ जीडीपी ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी। तो बेसिक कमोडिटी से लेकर हाई टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट तक जो गवर्नमेंट है उनकी एजेंसीज है वो गुड्स खरीदती हैं और ये वर्ल्ड इकोनॉमी में 10-15% ऑफ जीडीपी को भी कवर करती है। ठीक है, दे ऑल्सो बाय लार्ज अमाउंट ऑफ सर्विसेज एंड कंस्ट्रक्शन सर्विसेज। ठीक, अब सिर्फ गुड्स ही नहीं सर्विसेज में भी इन्वॉल्व रहती है, फॉर एग्जाम्पल टेलीकम्युनिकेशन, रोड, एयरपोर्ट एंड पावर स्टेशन। इट शुड हैव साउंड पब्लिक प्रोक्योरमेंट सिस्टम बेस्ड ऑन ट्रांसपेरेंसी, इंटीग्रिटी एंड कॉम्पिटिशन एंड टू मैक्सिमाइज बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम प्रोक्योरमेंट फॉर सिटीजन। तो अगर कोई गवर्नमेंट प्रोक्योर कर रही है गुड्स और सर्विसेज को, तो उसका सबसे बड़ा मोटिव क्या होना चाहिए कि उसमें ट्रांसपेरेंसी हो, इंटीग्रिटी हो और कॉम्पिटिशन मेंटेन रहे और जो सिटीजन हैं उस कंट्री के उनके लिए बेनिफिट्स को मैक्सिमाइज करे। ठीक, द पोलिटिकल प्रेशर फेवर्स डोमेस्टिक सप्लायर्स ओवर फॉरेन कॉम्पिटिटर। अब जब डोमेस्टिक मार्केट है तो वो ऑब्वियस सी बात है कि डोमेस्टिक सप्लायर्स को ही फेवर करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे यही बात कर रहा है। तो पब्लिक प्रोक्योरमेंट या गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट का ही मतलब हुआ कि जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, प्रोडक्ट्स को प्रोक्योर कर रही है, सर्विसेज को प्रोक्योर कर रही है, किस लिए कर रही है, टू मैक्सिमाइज द बेनिफिट फॉर द सिटीजन। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट हमारा अग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सिविल एयरक्राफ्ट। ठीक, तो पहले समझ लेते हैं कि सिविल एयरक्राफ्ट क्या होते हैं। ऐसे एयरक्राफ्ट जो कि पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। ठीक है, और इनमें इंक्लूड्स होते हैं कार्गो फ्लाइट्स। ठीक है, जो कार्गोस को या मैं कहूँ गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे सिविल एयरक्राफ्ट। तो एस्टैब्लिश हुआ था ये 1 जनवरी 1980 को और इसमें इस प्रेजेंट टाइम पे 32 सिग्नेटरीज हैं। ठीक है, आपके बुक में देखिए 21 सिग्नेटरीज दिया हुआ है और मैंने इग्नू की ई ज्ञान कोर्स जहाँ पे पीडीएफ मिलती है बुक्स की वहां भी मैंने देखा तो वहां भी 21 सिग्नेटरीज ही दिया हुआ है। ठीक है, तो हो सकता है वो रिवाइज ना हुआ हो, तो अगर आपके पास नया एडिशन है या आपकी बुक रिवाइज हुई हो तो वहां पे हो सकता है 32 सिग्नेटरीज दिया हो तो आप वो लिखिएगा, और अगर आपके बुक में 21 सिग्नेटरीज ही दिया है तो प्लीज आप वही लिखिएगा। फालतू में अगर एग्जामिनर मार्क्स काट ले उससे कोई फायदा नहीं है, लेकिन आपको अपडेटेड चीज बताना मेरा काम है तो मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा। नेक्स्ट पॉइंट है इट एलिमिनेट्स इम्पोर्ट ड्यूटीज ऑन ऑल एयरक्राफ्ट। ठीक है, तो इसका बेसिक मोटिव क्या था कि इम्पोर्ट ड्यूटीज को एलिमिनेट करना सारे एयरक्राफ्ट से, बट अदर देन मिलिट्री एयरक्राफ्ट। तो मिलिट्री एयरक्राफ्ट को छोड़ के जितने भी एयरक्राफ्ट होते हैं उनमें इम्पोर्ट ड्यूटीज को एलिमिनेट करना। तो प्रोडक्ट कवरेज क्या है देख लेते हैं। पहला है ऑल सिविल एयरक्राफ्ट, नेक्स्ट है ऑल सिविल एयरक्राफ्ट इंजिन एंड देयर पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स, नेक्स्ट है ऑल अदर पार्ट्स कंपोनेंट्स एंड सब असेंबलीज ऑफ सिविल एयरक्राफ्ट
एंड ऑल ग्राउंड फ्लाइट सिमुलेटर्स एंड देयर पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स। ठीक है, तो ये सब इंक्लूड होते हैं सिविल एयरक्राफ्ट के ट्रेड। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। अब है हमारा इंटरनेशनल डेयरी प्रोडक्ट्स। ठीक, डेयरी प्रोडक्ट्स आप जानते हैं क्या होते हैं। द इंटरनेशनल डेयरी अग्रीमेंट बिकेम इफेक्टिव ऑन 1 जनवरी 1980। द अग्रीमेंट विच कवर्स ऑल डेयरी प्रोडक्ट्स एम टू इंट्रोड्यूस ग्रेटर स्टेबिलिटी इन द मार्केट बाय सीकिंग टू लिमिट सरप्लसेस, शॉर्टेज एंड लार्ज फ्लक्चुएशंस इन द प्राइस। इन एडिशन, द अग्रीमेंट सीक्स टू इम्प्रूव इंटरनेशनल कॉपरेशन इन द डेयरी प्रोडक्ट सेक्टर, कमिट्स इटसेल्फ टू असिस्टिंग इन इकोनॉमिक एंड सोशल एडवांसमेंट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, एंड एस्टैब्लिशेस एन इंटरनेशनल डेयरी काउंसिल अंडर द गाइडेंस ऑफ द WTO जनरल काउंसिल विद रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सेटिंग मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइसेस फॉर द ट्रेड इन मिल्क प्रोडक्ट्स, मिल्क फैट इंक्लूडिंग बटर एंड सर्टेन। तो इंटरनेशनल डेयरी अग्रीमेंट कब आया था? 1 जनवरी 1980 में। और इस अग्रीमेंट को बेसिकली लाने का क्या एम था? ताकि जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनमें काफी स्टेबिलिटी आए और जो उनकी शॉर्टेज हो रही है या सरप्लस या फ्लक्चुएशंस उनकी प्राइसेस में, उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जा पाए। ठीक है, इन एडिशन अग्रीमेंट में और क्या बोला गया? सीक्स टू इम्प्रूव इंटरनेशनल कॉपरेशन इन डेयरी प्रोडक्ट सेक्टर, ताकि इंटरनेशनल कॉपरेशन मेंटेन हो पाए डेयरी प्रोडक्ट सेक्टर्स में। ठीक है, उसका इकोनॉमिक एंड सोशल एडवांसमेंट हो पाए डेवलपिंग कंट्रीज में। और एस्टैब्लिश किया गया था इंटरनेशनल डेयरी काउंसिल अंडर WTO जनरल काउंसिल, जिसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो जो एक्सपोर्ट प्राइसेस हैं मिल्क प्रोडक्ट्स के उनको मिनिमम रखे, इंक्लूडिंग मिल्क पाउडर, बटर और चीज। ठीक है, तो ये जो अग्रीमेंट है वो इसीलिए फॉर्म किया गया था ताकि जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनमें भी एक स्टेबिलिटी मिल पाए और वो इंटरनेशनल मार्केट में निकल पाए। ठीक है, क्योंकि देखिए ये सेक्टर कैसा है, पेरिशेबल इन नेचर है। जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो पेरिशेबल इन नेचर होते हैं। ठीक है, तो हो सकता है बहुत ज्यादा प्रेफरेंस नहीं दी जाती, क्योंकि इनको एक जगह से दूसरी जगह भेजने में हो सकता है वो प्रोडक्ट्स खराब हो जाएं। ठीक है, तो इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी की भी जरूरत थी ताकि ये ग्लोबल मार्केट में भी स्टैंड कर पाए। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट हमारा इंटरनेशनल बोवाइन एंड मीट प्रोडक्ट। तो बोवाइन क्या क्या इंक्लूड करती है? काउस, ऑक्सन, गोट्स, शीप एंड बफेलोज। ठीक है, तो ये बोवाइन की कैटेगरी में आती है। ठीक है, तो अलॉन्ग विद डेयरी एंड सिविल एयरक्राफ्ट अग्रीमेंट, द इंटरनेशनल बोवाइन मीट अग्रीमेंट विद 27 सिग्नेटरीज इंक्लूडिंग द EU, दैट इज यूरोपियन यूनियन, वॉज ओरिजिनली नेगोशिएटेड ड्यूरिंग द टोक्यो राउंड। द अग्रीमेंट विच कवर्स बीफ, रियल एंड लाइव कैटल, seeks an expanded but regulated market in the meat and livestock. In particular, the agreement aims to improve international cooperation in the meat product sector and establishes the International Meat Council under the guidance of the WTO to generally act as a forum for discussion on all matters relating to bovine meat product sectors of the वर्ल्ड ट्रेड। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, पढ़ने से समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे बेसिकली बात करी गई है मीट प्रोडक्ट्स के बारे में, ताकि इंटरनेशनल मार्केट में मीट प्रोडक्ट्स का सेक्टर भी एक राइज कर सके, इम्प्रूव कर सके। और इस्टेब्लिश किया गया था इंटरनेशनल मीट काउंसिल किसके अंदर? WTO के अंदर, जो कि एक फोरम की तरह काम करेगा और डिस्कस करेगा बोवाइन मीट प्रोडक्ट्स के बारे में फॉर वर्ल्ड ट्रेड। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब है इंडिया एंड WTO, मतलब इंडिया का क्या रोल रहा है WTO में, इसको समझ लेते हैं। देखिए, इंडिपेंडेंट ऑफ ऑब्लिगेशंस अंडर द GATT अकॉर्ड, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज बीन फॉलोइंग अ पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इकॉनमी। दिस हैज बीन रिफ्लेक्टेड इन द बजट्स ऑफ सक्सेसिव ईयर्स। फॉर इंस्टेंस, इम्पोर्ट ड्यूटीज हैव बीन रिड्यूस्ड ड्रास्टिकली। Foreign Exchange Regulation Act, that is FERA, has been diluted and replaced by FEMA, that is Foreign Exchange Management Act. The rupee has been made convertible on the current account. After new economic policy of 1991, India ne bhi kafi changes dekhi, kyunki India global trade mein aa chuka tha, jiske wajah se unki import duties bhi kam hona shuru ho gayi thi aur FERA ko replace kar diya gaya tha FEMA se. ठीक है, तो काफी ज्यादा चेंजेस आने लग गए थे आफ्टर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991।
द इंडियंस पार्टिसिपेशन इन एन इंक्रीजिंगली रूल बेस्ड सिस्टम इन द गवर्नेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज टू एंश्योर मोर स्टेबिलिटी एंड प्रडिक्टेबिलिटी विच अल्टीमेटली वुड लीड टू मोर ट्रेड एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर इटसेल्फ एंड द 149 अदर नेशंस विच नाउ कंप्राइज द WTO. तो इंडिया भी काफी एक्टिवली पार्टिसिपेट करने लग गया था, जिसकी वजह से क्या हुआ, इंटरनेशनल ट्रेड में उसकी स्टेबिलिटी बनना शुरू हो गई और अल्टीमेटली वो क्या इफेक्ट लाया कि जो ट्रेड है वो काफी हार्मोनियस हो गया, प्रॉस्पेरिटी आने लग गई और 149 अदर नेशंस के साथ भी उसका एक कोऑर्डिनेशन अच्छा बनना शुरू हो गया. ठीक है, इंडिया ऑल्सो ऑटोमेटिकली अवेल्स ऑफ MFN एंड नेशनल ट्रीटमेंट फॉर ऑल इट्स एक्सपोर्ट टू ऑल WTO members. ठीक है, इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि MFN और नेशनल ट्रीटमेंट क्या होता है. इफ इंडिया ऑप्ट्स आउट ऑफ द मल्टीलेटरल सिस्टम इट हैज टू साइन हंड्रेड्स ऑफ बाइलेटरल अग्रीमेंट्स विच इज अ वेरी कंबर्सम प्रोसेस एंड द टर्म्स आर श्योर टू बी फार मोर डिसएडवांटेजेस कंपेयर टू दोज ऑफ मल्टीलेटरल सिस्टम. तो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर इंडिया मल्टीलेटरल सिस्टम से खुद को बाहर निकाल देता है तो उन्हें काफी ढेर सारे हंड्रेड्स ऑफ बायलेटरल अग्रीमेंट्स को साइन करना पड़ेगा जो कि काफी कंबर्सम होगा, काफी प्रॉब्लमेटिक होगा. टू टेक फुल बेनिफिट ऑफ द पार्टिसिपेशन इन द मल्टीलेटरल अग्रीमेंट और मल्टीलेटरल सिस्टम इंडिया शुड टेक विगरस मेजर्स टू अपग्रेड टेक्नोलॉजी एंड मॉडर्नाइज बोथ इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर so as to increase its competitive strength in the world market. तो अगर इंडिया को वर्ल्ड मार्केट में सर्वाइव करना है और मल्टीलेटरल सिस्टम का पूरा बेनिफिट उठाना है, इक्वली पार्टिसिपेट करना है, तो इंडिया को काफी जल्दी चेंजेस लाने पड़ेंगे, अपग्रेड करनी पड़ेगी अपनी टेक्नोलॉजी और अपनी इंडस्ट्रीज को मॉडर्नाइज करना पड़ेगा, अपने एग्रीकल्चर को भी एक बूम देना पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि वो जो कॉम्पिटिशन है वो इंक्रीज होगा और उसमें इंडिया काफी स्ट्रेंथन होगा. ठीक है, तो सिमिलर इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन फार्मास्यूटिकल्स वेयर देयर इज प्रेशर टू इंट्रोड्यूस प्रोडक्ट पेटेंट. और सिमिलरली सेम सिचुएशन क्या है फार्मास्यूटिकल्स का, जिसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत मेजर रोल प्ले करता है, तो इसमें भी इंडिया को काफी एम्फसाइज करना पड़ेगा. ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया. तो हमारा ये चैप्टर भी कम्प्लीट हो जाता है, दैट इज मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम. ठीक है, तो अगर आप में से किसी को कुछ दिक्कत लगे तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की. तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम डिस्कस करेंगे अब नेक्स्ट यूनिट को. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियोज को अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए. तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में. और हाँ, अगर आप में से अभी तक किसी ने भी असाइनमेंट्स नहीं कंप्लीट किए हैं तो कंप्लीट कर लीजिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. मेरा ब्लॉग है, आप वहां से जाके आंसर्स को रिफर कर सकते हैं. ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. टिल देन स्टे सेफ स्टे हेल्दी. फीडबैक जरूर दीजिएगा कि वीडियोस कैसी लग रही हैं और अगर कोई इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो वो भी लिखिएगा. ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. बाय बाय, टेक केयर.